Calcutta. I moved Calcutta. That time it was known as DMET Calcutta. And that is how we got associated with it. And the amount of discipline brought in training, that if you see our logo, the world is our oyster. First of all, it's very humbling and it's a real honor for me to be present on this very momentous occasion. I will share a little story about how we have all reached here. So our founder, Chairman Dr. Ravi Mehrotra. हेलो माइक टेस्ट हेलो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड क्या कहना चाहेंगे आज का जो एमओयू साइन हुआ है उसके बारे में कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को कि क्या कुछ है और थोड़ा अगर ब्रीफ कर दें So I am, my name is Dr. Malini Shankar. I am the Vice Chancellor of the Indian Maritime University, which is located, headquartered in Chennai, but has six campuses, including in Mumbai, Navi Mumbai, Kolkata, Cochin, and Vishakhapatnam, besides Chennai. I am Rajiv Nair. I am the President of Institute of Marine Engineers, a professional body which looks after the interests of marine engineers in India. We also have three overseas chapters with us. तो ऐसा है कि इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2008-09 बहुत यंग यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी होने के बाद हमने सोचा कि सिर्फ डिग्री नहीं दिया जाए बट वी हैव टू डू रिसर्च राइट एंड बी द रिसोर्स सेंटर फॉर बोथ इंडस्ट्री एंड फॉर द गवर्नमेंट इन इंडिया क्योंकि आजकल आप देखेंगे तो मैरिटाइम सिक्योरिटी के बारे में बहुत कुछ हो रहा है मैरिटाइम सी रूट्स के बारे में बहुत कुछ हो रहा है वर्ल्ड वाइड जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रहा है और उसके लिए द यूनिवर्सिटीज़ हैव टू कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेंथनिंग दिस इसलिए हमने एमओयू साइन किया तो आईएमईए के तरफ से वो बहुत प्रोफेशनल बॉडी है वो सब हमारी यूनिवर्सिटी जो अस्तित्व में आए उसके पहले जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें उसके अलमनस हैं ये सब तो साहब बताएंगे सर तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो काम है वो हमारे को लगता है कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें जितना भी आप इन्वेस्ट कीजिए जो रिटर्न वो देगा इन टर्म्स ऑफ आगे के लोगों का फ्यूचर बेटर बनाने के लिए तो इसमें हमने दो जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स को दो साल के लिए सपोर्ट करेंगे और ये हमारा एक सॉर्ट ऑफ कर्तव्य है हमारा जो एम है वो है कि हम अपना मेरीन इंजीनियरिंग के प्रोफेशन को आगे बढ़ाएं और ऐसे लोगों को इनकरेज करें जो कि रास्ता आगे का दिखा सके कि स्पेशली जैसे मैडम ने कहा कि चीज़ें बदल रही हैं इस बदलते हुए टाइम में हम किस तरह से ना ही उस टाइम को ये ना हो कि कुछ हो उसके बाद पता चले ये हो कि हम बता सकें कि ये होगा इस तरह से तैयार है तो ये हमारा इस वक्त एफर्ट है साथ में मिलके इसको आगे बढ़ाने का ताकि इंडिया एज अ मैरिटाइम नेशन प्रोग्रेस कर सके और ये तीन लेवल में देखना चाहिए पहला लेवल है एकेडमिक्स जो जितना पढ़ाई करते हैं वो इंडस्ट्री के लिए यूज़फुल है क्या वो काम करने जाते हैं उस टाइम उनको कितना ज्ञान मिलता है तो उसमें एकेडमिक एक्सेलेंस के बारे में वो भी इंडस्ट्री का इनपुट है तो एकेडमिक एक्सेलेंस बहुत ज़्यादा होगा इंडस्ट्री रेलेवेंस ठीक होगा सो एकेडमिक एक्सेलेंस इज़ वन
सेकंड इज़ रिसर्च, जो साहब ने बताया, रिसर्च भी करना पड़ेगा, टेक्निकल रिसर्च भी करना पड़ेगा और साथ साथ वो पॉलिसी का रिसर्च भी करना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिसी किस डायरेक्शन में जाना है ताकि इंडिया का मैरिटाइम सेक्टर बहुत ऊंची पहुंच जाए। और थर्ड है इनोवेशन का, इनोवेशन इंक्यूबेशन, तो आइडियाज़ आना चाहिए, वो आइडियाज़ यूनिवर्सिटी में आइडियाज़ होगा मगर एक्सपीरियंस अनुभव जो इंडस्ट्री में है वो आके ये आइडिया है मगर आप इसके ऊपर संशोधन करके हमें दीजिए, ऐसे बताएं, तो इंक्यूबेशन भी कर सकते हैं, हैकाथॉन कर सकते हैं, नए नए तरीके से क्या क्या चाहिए इंडस्ट्री को वो रिस्पॉन्स कर सकते हैं। सो तीन लेवल, एकेडमिक रिसर्च और इनोवेशन। ये जो गेस्ट, ये हमारा कम्युनिटी है, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस थे इसके पहले, यूनिवर्सिटी होने के पहले जो इंस्टीट्यूशंस थे उसमें पढ़ाई किए, उस टाइम डिग्री नहीं था, मरीन इंजीनियर्स के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं थी, जो साहब ने पढ़ाया उस ज़माने में डिग्री की ज़रूरत नहीं थी, डिग्री बाद में इंस्टीट्यूट किया ताकि वो डिग्री बिना फिर शिप से बाहर आए तो, जहाज से बाहर आए तो वो कहाँ काम करेंगे डिग्री के बिना। तो ये सब हमारे ही इंस्टीट्यूशंस और बड़े बड़े पोजीशंस में हैं, हम सिर्फ बॉम्बे में जो रहते हैं उनको बुलाए मगर हमारे तो जो अलमनस है हमारे इंस्टीट्यूशंस में जो पढ़ाई की है वो हांगकॉन्ग में है, लंदन में है, जैसे आपने देखा आरके मेहरोत्रा सेंटर, आरके मेहरोत्रा, डॉक्टर आरके मेहरोत्रा ने हमारे इंस्टीट्यूशन कलकत्ता के इंस्टीट्यूशन में 1964 में पढ़ाई पूरी, तो इंडस्ट्री में हैं वो, CEOs हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, खुद के इंडस्ट्री हैं हांगकॉन्ग में, लंदन में, सिंगापुर में, तो वो सब एक इंटीग्रेट करके, तो एकेडमिया और इंडस्ट्री का अगर जॉइंट एफर्ट हो जाएगा तो दोनों के लिए बहुत अच्छा है। आखिर में इंडस्ट्री में कौन काम करता है, यही कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से बाहर जाते हैं और काम करते हैं, तो अगर ये ठीक नहीं है, इनका प्रोड्यूस ठीक नहीं है, प्रोडक्ट ठीक नहीं है, तो इंडस्ट्री का प्रॉब्लम होता है। इसलिए ये जो दोनों हाथ जोड़ के काम किए तो स्टूडेंट्स को भी अच्छा हो जाएगा, इंडस्ट्री को भी अच्छा हो जाएगा और साथ में भारत का भी अच्छा होगा। ओके, थैंक यू। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फोरसाइट ग्रुप। फोरसाइट इज दिस इज आवर 40th ईयर ऑफ बिजनेस। वी आर हेडक्वार्टर्ड इन लंदन and primarily a shipping and offshore oil drilling company. So this MOU is very special to us because our founder chairman Dr. Ravi Kumar Mehrotra is a DMET Calcutta alumnus of the batch 1964. So for us this is a very special moment that we are able to get the opportunity to contribute towards setting up the RK Mehrotra Maritime Center of Excellence with the support of Indian Maritime University in Calcutta to provide an opportunity for advanced studies in the maritime sector, especially in the energy efficiency as well as use of AI in the merchant shipping. So that's a very special moment for us. Thanks to Vice Chancellor and the Ministry of Shipping in India. So India is the second largest provider of seafarers in the world, right? And we have a lot more opportunity first to become number one seafarer provider in the world, and we are at the forefront of technology and knowledge in the shipping fraternity worldwide. So this institute along in the IMU setup will enable us to provide the advanced studies for seafarers in alignment with the global needs. Okay, I am Malini Shankar. I am the Vice Chancellor of the Indian Maritime University, and today I feel very privileged on behalf of my entire team to have the Dr. Ravi Mehrotra Center of Excellence MOU being signed. And it's even more of a privilege because Dr. Mehrotra was one of our own alumnus of an erstwhile institution in Kolkata. The idea behind signing this MOU took birth in the alumni meeting held in Kolkata about a year back. The idea was that we need to, a university should not be giving just a degree and just classroom lectures in a degree.
इट शुड गो बियॉन्ड दैट टू द फ्रंटियर्स ऑफ रिसर्च. तो ऐसा कहा जाता है दुनिया में दैट यू नो वी जस्ट टेक फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड वी जस्ट यूज इट हियर एंड वेयर इज आर लाइक आत्मनिर्भर. इट्स पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर ऑल्सो. प्राइम द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन अपॉन हिमसेल्फ to say that India should be self-sufficient in every which way. So this is one of the factors in the maritime sector to see we do our own research so that we are self-sufficient and we do enough research that we can actually share with other countries. That is the whole idea. And this center should be the epitome of excellence. It should be the hub of activities related to the maritime sector, which can provide guidance to both the industry as well as the government and maybe even other countries, because this is an international field. Thank you.